नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे समास के कुछ और भेद। समास से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, जिसमें हमने समास के दो भेद पहले ही पढ़ लिए हैं। आज हम समास के आगे के दो भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने समास के दो भेद अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास को मैंने विस्तार से समझाया है। बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं, जिससे कि आपको ये दोनों ही समास अच्छे से समझ में आ जाए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही साथ आप इसे आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। आज हम समास के अगले दो भेद पढ़ेंगे, वो है द्विगु समास और तत्पुरुष समास। तो आइए देखते हैं द्विगु समास और तत्पुरुष समास में किस तरह के शब्द होते हैं और उनका विग्रह किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले बात आती है द्विगु समास की। द्विगु समास जो है, इसमें किस तरह का समस्त पद दिया जाता है या किस तरह का शब्द होता है, ये आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। यहाँ पर जैसे द्वि शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब कि ये किसी संख्या को बताता है। द्वि का मतलब होता है दो, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि द्विगु समास में इस तरह के शब्द आते हैं जिसका जो पहला पद होता है या पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। तो इसके कुछ नियम हैं, ये आप पहले समझ लें। किसी भी समस्त पद का पूर्व पद, या फिर उसे पहला पद भी कहा जाता है, वो अगर संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाची शब्द हो, तो ऐसा जो शब्द है वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। अब इस चीज को हम उदाहरण के साथ भी समझेंगे, पहले आप ये कुछ नियम देख लें। अब यहाँ पर विग्रह के समय जब इसका विग्रह किया जाता है, तो उत्तर पद मतलब जो दूसरा वाला जो पद होता है वो बहुवचन में बदल जाता है। वो पहले एक वचन में होता है, लेकिन विग्रह जैसे ही इसका होता है वो उत्तर पद बहुवचन में बदल जाता है। तीसरा नियम है, विग्रह में समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास में देखा कि विग्रह के समय और का या का प्रयोग किया जाता है, अव्ययी भाव समास में बिना, जितना, रहित या फिर हर एक, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके विग्रह किया जाता है। उसी तरह से द्विगु समास का विग्रह जब हम करते हैं तो उसमें समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आइए इन तीनों ही नियमों को हम शब्दों के साथ समझते हैं। अब यहाँ पर द्विगु समास के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण मैंने लिखे हैं। पहला है, समस्त पद का पहला जो पद होता है या पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ कुछ मैंने समस्त पद लिखे हैं। पंचतंत्र, यहाँ पर पंच जो है ये संस्कृत में पांच को पंच कहा जाता है, तो ये पहला वाला जो पूर्व पद है वो एक संख्यावाची शब्द को दर्शाता है। इसी तरह से चौराहा, चौराहा मतलब जहां पर चार राहें आकर के मिलती हैं, इसे कहा जाता है चौराहा। चौ जो है वो चार संख्या को दर्शा रहा है, राह का मतलब होता है रास्ते। इसी तरह से इसका जो पहला जो पद है वो संख्यावाची पद है। सप्त ऋषि, ऋषि का मतलब होता है ऋषि मुनि, और सप्त का मतलब होता है नंबर सात, तो ये भी जो है सप्त जो है एक संख्या को दर्शा रहा है। छह माही, माही का मतलब होता है महीना, मंथ, जिसे इंग्लिश में मंथ कहा जाता है। छह मतलब सिक्स, नंबर सिक्स को बता रहा है ये, तो ये भी एक संख्यावाची पद है। पंचामृत, यहाँ पर पंच और अमृत शब्द से ये शब्द बना हुआ है। अब यहाँ पर पांच ऐसी चीजों को मिलाना जो कि अमृत के समान है, तो इसे पंचामृत कहा जाता है। अष्टभुजा, अष्ट मतलब आठ, संस्कृत में आठ को अष्ट कहा जाता है। भुजा का मतलब होता है हाथ या बाहें, तो जिसकी आठ भुजाएं हैं उसे अष्टभुजा कहा जाता है। तिरंगा, ती का मतलब यहाँ पर है तीन, नंबर तीन, संख्या तीन, और रंगा का मतलब रंग, तो जो भी तीन रंगों का होता है उसे हम तिरंगा कहते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले नियम के अनुसार आप देख सकते हैं कि सभी जो शब्द दिए गए हैं उनका पूर्व पद जो है वो एक संख्या को दिखा रहा है। दूसरा है, विग्रह के समय उत्तर पद बहुवचन में बदल जाता है। यहाँ पर जो उत्तर पद है, उत्तर पद इस समस्त पद में उत्तर पद है तंत्र, तो जैसे ही हम इसका विग्रह करेंगे तो तंत्र जो शब्द है वो बन जाएगा तंत्रों, ये एक बहुवचन शब्द बन जाएगा। तिरंगा, रंग, यहाँ पर जो उत्तर पद है वो है रंग, जैसे ही इसे हम विग्रह करेंगे ये बन जाएगा रंगों। इसी तरह से भुजा, भुजाएं, भुजा बन जाएगा भुजाएं, और इसी तरह से ऋषि जो है ऋषियों, माह जो है या महीना जो है महीने, अमृत जो है अमृतों। तो इस तरह से ये जो दूसरा पद है इसे आपको बहुवचन में बदलना ही होगा जब आप विग्रह इसका करेंगे, और विग्रह के समय हमेशा समूह शब्द का प्रयोग हम करेंगे। तो ये तीन नियम जो है ये आपको याद रखना है। तो आइए अब जल्दी से हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। द्विगु समास के कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि सभी शब्दों का या समस्त पदों का जो पहला पद है वो एक संख्या को दर्शाता है।
तो सबसे पहला है दो पहर। पहर का क्या मतलब होता है पहले आप समझ लीजिए। एक दिन जो है वो पूरे 24 घंटों का होता है, दिन और रात को मिलाकर के 24 घंटों का समय होता है, और 24 घंटे जो है उसे 8 पहर में बांटा जाता है। तो एक पहर जो है वो 3 घंटे का माना जाएगा, लेकिन जब दो पहर एक साथ हम मिला देते हैं तो उसे दो पहर कहा जाता है। तो यहाँ पर दोपहर का विग्रह हम करेंगे दो पहरों। अब पहर को हमने बहुवचन में बदल दिया और इसे लिख दिया पहरों का समूह। तो इस तरह से जो भी उत्तर पद है उसे आपको बहुवचन में बदलना ही है, नहीं तो ये विग्रह जो है वो गलत हो सकता है। अब यहाँ पर दो राहा, राहा मतलब है राहें या रास्ते, यहाँ पर भी दो राहों की बात हो रही है, जहां पर दो राह हैं तो इसका भी जो विग्रह होगा दो राहों का समूह। इसके बाद है द्विगु, जो समास हम पढ़ रहे हैं उसी शब्द को यहाँ पर समस्त पद के रूप में लिया गया है। द्वि का मतलब है दो, संख्या दो को बता रहा है, और गु का मतलब है गायें, काऊ, इसे इंग्लिश में आप काऊ कहते हैं। तो यहाँ पर दो गायों का समूह। इसके बाद है तिरंगा, यहाँ पर ती जो है ये तीन संख्या को बता रहा है, तीन रंगों का समूह। इसी तरह से त्रिलोक, त्रि जो है तीन संख्या को बता रहा है, तीन, अब यहाँ पर लोक का जो मतलब है जैसे कि हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो तीन लोकों में बटा हुआ है, एक तो है हमारी धरती, आसमान और पाताल, तो यहाँ पर लोक जो हो जाएगा वो लोकों, तीन लोकों का समूह। आगे है त्रिवेणी, वेणी जो है वो पानी के बहाव को भी कहा जाता है, तो यहाँ पर जहां पर तीन नदियों का मिलन होता है, जहां तीन नदियां मिल जाती हैं उसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी त्रि जो है तीन संख्या को बता रहा है, तीन वेणियों, वेणी जो है बहुवचन में वेणियों लिखेंगे हम इसे, वेणियों का समूह। आगे है त्रिभुज, भुज का मतलब होता है भुजाएं, यहाँ पर त्रिभुज जो है ये अंग्रेजी में जो हम ट्रायंगल बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसे त्रिभुज कहा जाता है, तीन भुजाओं से बनने वाली जो आकृति है उसे त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ पर तीन भुजाओं का समूह। चौराहा, चौराहा फिर से चार, चौ जो है चार संख्या को दिखा रहा है, चार राह, राह को हम बहुवचन में बदल करके राहों लिख देंगे, राहों का समूह। आगे है चवन्नी, तो चवन्नी है एक रुपए का चौथा भाग, तो चवन्नी में च जो है चार संख्या को बता रहा है, ये है आना, तो यहाँ पर आनों का समूह। अब आगे है चौपाई, यहाँ पर चौपाई का मतलब है जैसे चार चार पंक्तियों की जो कविताएं होती थी उसे चौपाई कहा जाता था, तो यहाँ पर पाई जो है इसे आप पंक्ति भी कह सकते हो, और इसे बहुवचन में जब हम बदलेंगे चार पंक्तियों का समूह। आगे है पंजाब, पंजाब जो है पंज, पंज मतलब पांच, ये पांच संख्या को दर्शाता है, और इसमें जो उत्तर पद है उसका मतलब है आब, आब का मतलब होता है नदियां, तो यहाँ पर या तो आप आबों लिख सकते हैं और ब्रैकेट में यहाँ पर नदियों लिख सकते हैं और साथ ही साथ का समूह। तो इस तरह से इसका विग्रह होगा पांच आबों का समूह या फिर पांच नदियों का समूह। पंचतंत्र, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, पंच यहाँ पर भी पांच संख्या की बात हो रही है, पांच तंत्रों, तंत्र को हम बहुवचन में तंत्रों लिखेंगे का समूह। पंचवटी, वटी का मतलब होता है बगीचा, यहाँ पर भी पांच बगीचों की बात हो रही है, पांच वटियों का समूह। पंचरत्न, यहाँ पर पांच रत्न, रत्न मतलब जो कीमती पत्थर होते हैं उन्हें हम रत्न कहते हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा पांच रत्नों, रत्न जो है वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा, रत्नों का समूह। आइए हम कुछ और शब्द देख लेते हैं। आगे है छह माही, छह जो है वो संख्या छह को बता रहा है, और माही माह जो है वो महीनों को बता रहा है, तो छह महीनों का समूह। अगला जो शब्द है वो सप्ताह है, सप्त जो है सात संख्या को दिखा रहा है, और यहाँ पर सात दिनों की जब बात होती है तो उसे हम सप्ताह कहते हैं, तो यहाँ पर सात दिनों का समूह। आगे है सप्त द्वीप, द्वीप का मतलब होता है कोई टापू या आइलैंड, तो यहाँ पर भी सात द्वीपों की बात हो रही है, सात द्वीपों का समूह। आगे है सप्त ऋषि, इसका भी विग्रह उसी तरह से होगा, सात ऋषियों का समूह। आगे है अष्ट सिद्धि, तो यहाँ पर आठ प्रकार की सिद्धियों की बात हो रही है, अष्ट जो है संख्या आठ को दर्शा रहा है, आठ सिद्धियों का समूह। अष्टध्यायी, अष्टध्यायी है ध्यायी मतलब अध्याय या कोई चैप्टर, जैसे हम कहते हैं ना पहला अध्याय, पहला पाठ, दूसरा पाठ, अध्याय शब्द जो है वो उत्तर पद में आ रहा है, यहाँ पर आठ अध्यायों की बात हो रही है, आठ अध्यायों का समूह। आगे है नवग्रह, अब यहाँ पर नव जो है संख्या नौ के बारे में बता रहा है, नव ग्रह, ग्रह का मतलब होता है प्लैनेट्स,
तो नौ ग्रह जो है ग्रहों हो जाएगा, बहुवचन में ग्रहों का समूह। इसी तरह से है नव रात्र, रात्र जो है रात्रि, रात की बात हो रही है, नौ रातों का समूह, नव जो है फिर से संख्या नौ को बता रहा है, रात्र जो है रातों हो जाएगा, रातों का समूह। नव निधि, निधि का मतलब होता है खजाना, तो नौ खजानों के, नौ तरह के खजानों की बात हो रही है, नौ निधियों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। अगला जो शब्द है वो है सत सई, सत का मतलब है सात, सात संख्या के बारे में बता रहा है, सई का मतलब है सौ, तो यहाँ पर सात सौ का समूह, जब सात सौ हम एक साथ लिखते हैं तो उसे सत सई कहा जाता है। यहाँ पर शताब्दी, शत का मतलब होता है सौ, जैसे हम कहते हैं कि शतक लगाना, क्रिकेट में जो क्रिकेटर्स हैं वो शतक लगाते हैं, सौ रन बनाते हैं, तो यहाँ पर शत जो है सौ संख्या को दर्शा रहा है, सौ, और ये अवधि है, अवधि मतलब वर्ष, शताब्दी का मतलब है जब सौ वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वो एक शताब्दी कहलाती है। शताब्दी शब्द का विग्रह होगा सौ अब्दों का समूह या सौ वर्षों का समूह। तो इतने सारे उदाहरणों के माध्यम से द्विगु समास के विग्रह के बारे में और किस तरह के शब्द द्विगु समास में आते हैं इसकी जानकारी आपको अच्छे से हो चुकी होगी। तो अब आइए समझते हैं तत्पुरुष समास में किस तरह के शब्द आते हैं। तत्पुरुष समास जो है समास का चौथा भेद है, इसके भी कुछ नियम दिए गए हैं, आइए हम देख लेते हैं क्या नियम है। उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, गौण का मतलब है इसका जो महत्व है वो थोड़ा सा कम होता है, उत्तर पद यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, उत्तर पद मतलब जो दूसरा वाला पद है, पीछे वाला पद है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है, यहाँ पर उत्तर पद मतलब जो पीछे का पद है, अब रसोई घर जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, इसका पूर्व पद है रसोई और घर जो है इसका उत्तर पद है, तो यहाँ पर उत्तर पद जो है वो विशेष्य होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। यहाँ पर भी देखिए इसका विग्रह करके बताया गया है, रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर घर जो है वो विशेष्य है और इसकी घर की क्या विशेषता है कि वो रसोई के लिए बनाया गया है, इसीलिए कहा गया है कि इसमें उत्तर पद जो है वो प्रधान माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है, जिसकी विशेषता बताता है इसका पूर्व पद। अब विग्रह के इसके क्या नियम है, विग्रह करने पर किस तरह के शब्दों का या कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं। समस्त पद के विग्रह पर कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, अगर आपने कारक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कारक के आठ भेद होते हैं और हर भेद की एक अलग तरह की विभक्ति उसमें दिखाई गई है, तो यहाँ पर उन्हीं विभक्तियों का प्रयोग जो है तत्पुरुष समास के जो समस्त पद होते हैं उनके विग्रह के समय उसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कारक के आठ भेद हैं, लेकिन आठों के आठ भेद हम यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर कारक के ऐसे दो भेद हैं जिनका प्रयोग या जिनसे संबंधित विभक्तियों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता। अब वो कौन कौन से कारक हैं? पहला जो कर्ता कारक है जिसकी विभक्ति जो है ने है, इसका प्रयोग इसमें नहीं होता है, और साथ ही साथ जो आखिरी है संबोधन कारक, जिसमें कि विस्मयादि बोधक वाले शब्द आते हैं, उन विभक्तियों को लेकर के यहाँ पर तत्पुरुष समास के समस्त पदों का विग्रह नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कर्ता कारक और ये जो संबोधन कारक है इसकी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर विग्रह करने के समय हमें प्रयोग नहीं करना। तो आइए इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर कारक की विभक्तियों का विग्रह के समय प्रयोग करने के कारण तत्पुरुष समास जो है उसे आगे छह भेदों में बांटा गया है, तो यहाँ पर जैसे जैसे कारक हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आपको इसके भेद भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो भेद है तत्पुरुष समास का वो है कर्म तत्पुरुष समास, और कर्म कारक की विभक्ति जो होती है वो को होती है, और यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास में जो भी शब्द आता है या जो भी समस्त पद होता है उसका विग्रह हमेशा को लगाकर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान देना है कि कर्म जो है ये कारक है, कारक के भेद में दूसरे नंबर पर कर्म कारक आता है और इसकी विभक्ति हमेशा को होती। तो आइए हम देखते हैं ये जो दिए गए शब्द हैं इनका जो विग्रह है वो कैसे होगा। परलोक गमन, अब यहाँ पर परलोक गमन जो है इसका जो विग्रह है हम करेंगे परलोक को गमन, यहाँ पर हमने ये जो कर्म कारक की विभक्ति है को इसका प्रयोग हमने किया है। दूसरा शब्द है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अगला शब्द है मरणासन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ को लगा करके इसका विग्रह नहीं किया जाएगा, मरण को पहुंचा हुआ। तो कुछ जो शब्द हैं जिनका विग्रह थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन यहाँ पर भी जो विभक्ति है वो हम को का ही प्रयोग इसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पर मरणासन जो है मरण को आसन नहीं कहेंगे बल्कि मरण को पहुंचा हुआ। अगला शब्द है स्वर्गत, स्वर्ग को गया हुआ। गत का मतलब होता है जाना,
तो स्वर्ग को गया हुआ, मतलब जिसकी मृत्यु हो चुकी है और वो स्वर्ग को चला गया है। तो यहाँ पर इसका विग्रह भी थोड़ा सा अलग होगा, स्वर्गत स्वर्ग को गया हुआ। विभक्ति जो है वो हम को ही लगाएंगे, लेकिन इसका जो विग्रह है वो थोड़ा सा अलग होगा। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब जो अगला भेद है तत्पुरुष समास का, वो है करण तत्पुरुष समास। करण कारक की जो विभक्ति होती है वो से होती है, और यही विभक्ति जो है यहाँ पर भी इसका विग्रह करते समय हमें इसका प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, हस्तलिखित, हाथ से जो लिखी हुई चीज होती है उसे हम हस्तलिखित कहते हैं। तो हस्त या हाथ भी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, से लिखित। आगे है भूख मरा, भूख से मरा। शोकाकुल, शोकाकुल मतलब जो बहुत दुखी हो, शोक से आकुल। अब यहाँ पर अगला शब्द है गुण युक्त, तो ये है गुण से युक्त। इसके साथ ही एक चीज और है, अब जैसा कि हमें पता है करण कारक में से का प्रयोग तो होता ही है, कभी कभी द्वारा का प्रयोग भी इसमें विभक्ति के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर दो ऐसे समस्त पद हैं जिनका विग्रह द्वारा लगा करके हमें करना है, क्योंकि द्वारा जो है वो भी करण कारक की विभक्ति होती है। तो यहाँ पर तुलसीकृत हो जाएगा, तुलसी द्वारा कृत, गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त, दत्त का मतलब देना, गुरु द्वारा जो दिया जाता है उसे गुरु दत्त कहा जाता है। तो आइए तत्पुरुष समास के और भी भेद हम देख लेते हैं और उनके उदाहरण देख लेते हैं। अगला भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वो हमेशा के लिए होती है। तो यहाँ पर भी जो शब्द दिए गए हैं, समस्त पद दिए गए हैं, इनका विग्रह हम के लिए लगा करके करेंगे। तो आइए देखते हैं इनका विग्रह हम कैसे कर सकते हैं। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। अगला है देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास में हम जो विग्रह है वो के लिए लगाकर इसे करेंगे। आगे का जो भेद है वो है अपादान तत्पुरुष समास। यहाँ पर भी से विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ पर आपको ये देखना है कि से विभक्ति जो है किस संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। दो चीजों को एक दूसरे से अलग करने के संदर्भ में जब कोई शब्द हमें दिखाई देता है तो वहां पर हम अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत से विभक्ति लगा करके इसका विग्रह हम करेंगे। तो आइए देखते हैं, गुणहीन, गुणों से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण का मतलब होता है कर्ज, ऋण से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंध या अंधा। भयभीत, भय से भीत। तो आइए आगे के जो दो और भेद हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ जो पांचवा भेद है वो है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक की जो विभक्तियां होती हैं वो है का, के, की। तो यहाँ पर शब्दों के हिसाब से हमें इन का, के, की का चयन करना है कि कहाँ पर का लगेगा विग्रह करते समय, कहाँ के लगेगा और कहाँ पर की लगेगा। तो आइए हम इसे देख लेते हैं। पहला शब्द है अमृत धारा। तो अमृत धारा में अमृत की धारा, अमृत धारा में हम अमृत की धारा लगा करके इसका विग्रह करेंगे। अमृत का धारा भी गलत होगा, अमृत के धारा भी गलत होगा, अमृत की धारा। उद्योगपति, उद्योगपति उद्योग का पति। आगे है घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़। देशवासी, देश का वासी। आगे है राजपुरुष, राज का पुरुष। यहाँ पर एक मैं शब्द और लिख रही हूँ, पराधीन, जिसका विग्रह जो है के लगा करके किया जाएगा। पर के आधीन, पर मतलब किसी और के अधीन जब हम होते हैं तो उसे पराधीन कहा जाता है। तो यहाँ पर के विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से का, के, की विभक्ति लगा करके हम संबंध तत्पुरुष समास में आए हुए समस्त पदों का विग्रह हम कर सकते हैं। अब अंत में है, आखिरी है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है मे और पर। तो यहाँ पर इन समस्त पदों का विग्रह जो है मे और पर लगा करके करेंगे। आइए देखते हैं, आप बीती, आप पर बीती। घुड़ सवार, घोड़े पर सवार। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। तो इस तरह से अधिकरण तत्पुरुष समास में भी हम मे पर लगा करके इस तरह का विग्रह हम कर सकते हैं। ये जो कुछ समस्त पद मैंने उदाहरण के तौर पर आपको दिखाए हैं,
ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन सबका अभ्यास अगर आप कर लेंगे और इनका जो विग्रह है उसे आप समझ जाएंगे तो किसी भी तरह का समस्त पद अगर परीक्षा में पूछा जाए तो उसका विग्रह आप आसानी से कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आज जो द्विगु समास और तत्पुरुष समास को उदाहरण सहित जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास भी हम अपने आने वाले वीडियो में जरूर देखेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।